हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यूक्लिकेम फोरम। आज का हमारा टॉपिक है गॉज मेथड। गॉज मेथड में जो मैंने आपको डायग्राम बना के दी है, वो डायग्राम आप देख रहे हो और आप वो बाद में बना भी सकते हैं। बट गॉज मेथड बताने के पहले, एक्सप्लेन करने के पहले, इसके पहले जो हमने वीडियो देखे थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसमें हमने तीन टाइप के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस देखे थे। सबसे पहला जो था वो था डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आता है, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड। रोटेशन ना होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के स्पिन ना होने की वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आता है। वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते बल्कि रिपेल किए जाते हैं। दूसरा सब्सटेंसेस था उसी के एग्जैक्टली अपोजिट में, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसमें पूरे इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। पूरे इलेक्ट्रॉन अनपेयर होने की वजह से उसका मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट काफ़ी ज़्यादा आता है, हाईएस्ट लेवल पे आता है, ठीक है, जो मैग्नेट की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा शो करता है, ठीक है। तीसरा सब्सटेंस है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जो कि डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बीच में था, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट एकदम जीरो भी शो नहीं करता और हाईएस्ट में भी शो नहीं करता, वो मीडियम रहता है, क्योंकि उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं और कुछ अनपेयर्ड होते हैं। तो अब मान के चलिए, आपको अगर कोई सब्सटेंस दे दिया और वो सब्सटेंस का आपको नाम पता चल गया, तो आप क्या करेंगे कि मान के चलिए ये कोबाल्ट है, आयरन है, निकेल है, कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, प्लैटिनम, कोई भी हो एलिमेंट, नाम अगर आपको पता है तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर लेके, नहीं क्या, एटॉमिक नंबर लेकर आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और फिर देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कितने नहीं है, उसके हिसाब से आप बता देंगे। बट अगर मैंने आपको एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड दे दिया और नाम नहीं बताया, तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो मैग्नेटिक मूवमेंट कोई भी सब्सटेंसेस का, अननोन सब्सटेंसेस का फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में एक मेथड है, दैट इज नोन एज अ गॉज मेथड, जिसमें आपको क्या करना है, वो जो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेगा, कोई भी कलर का रहेगा, इसे जरूरी नहीं है व्हाइट ही रहेगा, जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेगा, जो भी कलर का, उसका नाम तो आपको पता नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर नहीं सकते, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है, ये भी बता नहीं सकते, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है गॉज मेथड, और यही है आज का हमारा लास्ट टॉपिक। गॉज मेथड में क्या करना है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, गिवन सैंपल को आपको वो टेस्ट ट्यूब में फिलअप करना है, और वो टेस्ट ट्यूब को एक गॉज मेथड में जो एपरेटस दिख रहा है आपको, वेहिंग बैलेंस वाला, उसके एक साइड में आपको वो सैंपल रखना है, ठीक है। वो सैंपल का जितना वेट होगा, एग्जैक्टली सेम वेट आपको दूसरे साइड में भी लेना है, और जो भी आपका बैलेंस रहेगा वो एक लेवल में रखना है, सेम रखना है, ठीक है, एक लेवल में। इसमें अब क्या करना है, आपको दो मैग्नेट के, जो मैग्नेट्स होते हैं ना नॉर्थ साउथ पोल वाले, वो मैग्नेट्स लेकर आना है। अब इसमें वो सैंपल के ऊपर में सिर्फ तीन ही चीज़ें हो सकती है, ठीक है। सबसे पहला कि अगर उस सैंपल के तरफ, सबसे एक बात ध्यान में रखिए, मैग्नेट को सैंपल के पास में लाने के पहले सैंपल का और वेट का बैलेंस होना ज़रूरी है, दोनों एक लेवल में होना ज़रूरी है, पॉइंटर का जीरो पे आना जरूरी है, ठीक है। अब जीरो पे आ गया, आपने सैंपल के साइड से मैग्नेट को लेकर आ गए, अब इसमें सिर्फ तीन ही चीजें होगी। सबसे पहला, अगर सैंपल या फिर इस डायरेक्शन में, ये जो साइड है, इस डायरेक्शन में जो सैंपल आपने रखा है, वो मैग्नेट से अगर रिपेल हो रहा है, तो ये जो पॉइंटर है वो जीरो के लेफ्ट साइड में जाएगा, जिसकी वजह से वेट नीचे आएगा और सैंपल ऊपर जाएगा। ये कब पॉसिबल है, वो पॉसिबल तब है जब सैंपल मैग्नेट को रिपेल करता हो। रिपल्शन मैग्नेट से कब पॉसिबल है, जब उस सैंपल के अंदर में पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, क्योंकि नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आएगा तभी रिपल्शन होगा। सो अगर उस सब्सटेंस ने, उस सैंपल ने अगर रिपल्शन शो किया, या फिर वो पॉइंटर जीरो के, आप जैसे देख रहे हैं, आपके राइट साइड में आ गया, ठीक है, जीरो से उस डायरेक्शन में राइट साइड में अगर आ जाता है, तब जाके, या फिर आप ऐसा देख रहे हो तो फिर लेफ्ट साइड में जब आता है, है ना, मैं ऐसा देखूंगा तो मेरे राइट साइड में और आपके लेफ्ट साइड में, अगर पॉइंटर जीरो से लेफ्ट साइड में जाता है, तो समझ जाइएगा वो जो गिवन सैंपल है या फिर अननोन सब्सटेंस है, वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है।
क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो। अगर आपने मैग्नेट लेकर आए और सैंपल थोड़ा सा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ या फिर पुल डाउन हो गया तो समझ जाइएगा वो पैरामैग्नेटिक है। और अगर वो गिवन सैंपल या फिर गिवन सब्सटेंस, अननोन सब्सटेंस, कंप्लीटली मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है तो समझ जाना है आपको कि वो मैग्नेटिक मोमेंट काफ़ी ज़्यादा शो कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। सच सब्सटेंसेज आर नोन एज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सो डिटेक्शन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेज इन अ गिवन सैंपल और इन अ गिवन और अननोन सब्सटेंसेज टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ गॉज मेथड। ठीक है, तो गॉज मेथड काफ़ी अच्छे से बताता है, क्योंकि जब आपको एटॉमिक नंबर नाम पता नहीं हो तो ऐसे सिचुएशन में आप गॉज मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द होल चैप्टर एंड दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। इसके बाद में हम वीडियोज देखेंगे, वो कम्प्लीटली न्यूमरिकल्स के रहेंगे, जिसमें मैं आपको ऑलमोस्ट 50 न्यूमरिकल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियोज से हम न्यूमरिकल देखेंगे। तो वीडियोस में न्यूमरिकल देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और आप बाकी दोस्तों को भी बताइए। लाइक बटन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।